नमस्कार दोस्तों, आइए आप सबको यूट्यूब चैनल प्रमोशनल स्टडी क्लास में स्वागत है। आज मैं कुछ विशेष कंसेप्ट लेकर आया हूं जो कि इस प्रकार है। वीडियो लास्ट तक देखना मत भूलिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। जो कि इस क्वेश्चन से आप कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसको आसानी तरीके से हल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन देखते ही देखते आंसर आप निकाल सकते हैं। जबकि इसके पहले ये फॉर्मूला को माइंड में रखना चाहिए, है ना। फॉर्मूला क्या कहता है कि ए के पावर वन अपॉन एम इंटू ए के पावर वन अपॉन एन इजिकल टू ए के पावर वन अपॉन एम प्लस वन अपॉन एन होता है। यानी कि दोस्तों इसमें ध्यान रहे कि इस स्थिति में माइनस यानी कि गुना का मतलब होता है प्लस और डिवाइड का मतलब होता है माइनस, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, गुना है तो इसके घात को जोड़ देना होता है, यहाँ पर देख रहे हैं ना भाग है तो इसके घात को घटा लिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत बड़ा मायने रखता है, ध्यान रखना है। और यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि संख्या जो नीचे रहे है ना वो बराबर रहे, ऊपर को अलग अलग रहता है तो ऊपर वाला जुट जाता है, नीचे वाला जो रहता है वो उतर जाता है। नीचे अलग अलग रहे तो ऊपर वाला एक जैसा रहता है ना, तो नीचे वाला से गुना कर दिया जाता है, ऊपर वाला इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन हम उस पे सॉल्व कर रहे हैं, ये देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन जैसे कि है सेवन के पावर वन अपॉन टू इंटू एट के पावर वन अपॉन टू। इसमें देखो किस सूत्र पर सेट कर रहा है, यह कर रहा है इस फॉर्मूला पे थ्री नंबर। देखिए सेवन और एट है संख्या अलग अलग, यहाँ पर ए और बी है, ऊपर सेम है और ऊपर इस पर भी सेम है, तो हमको करना कुछ नहीं है, इसको इकट्ठा कर देना है। अर्थात क्या सेवन इंटू एट के पावर वन अपॉन टू यानी गुना कर देंगे आठ से, तो छप्पन के पावर वन अपॉन टू, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम और भी क्वेश्चन देखेंगे, है ना। इतना इजी वे में लेकर चलना है कि क्वेश्चन को देखते ही देखते आप आंसर अपने माइंड में सोच सकते हैं और मंगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए उसके बाद दो नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो के पावर टू अपॉन थ्री इंटू दो के पावर थ्री अपॉन फाइव। दोस्तों तो इसमें देखिए ये जो है दोनों एक जैसा है, सेम है, तो ये जाएगा इसके अनुसार, ठीक है। इस फॉर्मूला के अनुसार इसमें हम सॉल्व करेंगे, तो इस फॉर्मूला के अनुसार सॉल्व करेंगे तो दोनों का बदला होता क्या है, टू ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों में है तो ये नोट कर दिया, टू कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीप्लाई का मतलब एड होता है, यहाँ पर इसके घात को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, इसके घात को हम जोड़ देंगे, कितना होगा दो के पावर इसका एलसीएम होता है 15 और पांच दुनी का 10 प्लस तीन दुनी के 9 यानी कि दो के पावर 19/15, ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में 11 के पावर 1 अपॉन 2 बाई 11 के पावर 1 अपॉन 4, ठीक है। तो ये तो बाटा में है ना, तो बाटा में है तो इसके अनुसार सब होगा, इस फॉर्मूला के अनुसार हम इसको बनाएंगे, है ना। तो दोनों में 11 मिल रहा है, तो 11 मिल रहा है तो 11 का 11 लिख देंगे और ऊपर 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4 कर दिया, क्योंकि डिवाइड का मतलब माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पर डिवाइड है तो घटाव किया गया है ना फॉर्मूला के अनुसार। तो 11 के पावर इस क्या है 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4, इसके एलसीएम लेंगे 4 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 11 के पावर 1 अपॉन 4, ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है 1 अपॉन 3 के पावर 3 के पावर 7, ठीक है। तो ये जो है आपका ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, 1 के पावर 7 बटा 3 के पावर 3 के पावर 7, ठीक है। इसको दो भागों में बांट दिया, अर्थात 1 के पावर भी 7 है और 3 के पावर 3 के पावर भी 7 है ना। इसलिए 1 को 7 टाइम ले जाएंगे तो 1 ही होगा और इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 7 तरीका 21, ठीक है। यानी कि 3 के पावर माइनस 21, ये आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर ऊपर एक रहता है ना, बाटा में एक रहता है, तो बाटा में एक का मतलब माइनस होता है, ठीक है। तो मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 8 है, तो सॉरी 5 है, एक्स के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 5 बटा एक्स के पावर 6 इंटू एक्स के पावर 2। ठीक है, तो ध्यान दें सिस्टम तो सेम है, इसी पर हम सॉल्व करेंगे, है ना, तरीका अलग अलग होता है, तो यहाँ पर नोट कर देंगे और इसको इसको ऐड कर देंगे, 9 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर x लिख देंगे और इसको इसको ऐड कर देंगे, कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि अब इसके अनुसार हम सॉल्व कर लेंगे, x के पावर 9 माइनस 1 यानी कि x के पावर 9 माइनस 8 यानी कि x के पावर 1, ये आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम हल कर सकते हैं, यहाँ पर इसको काट भी सकते हैं x के पावर 1, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स है, 81 × 3 के पावर 3 अपॉन 27 × 3 के पावर 2। तो 81 को हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के पावर 4 होगा ना, और 3 को तो तोड़ा हुआ है तो 3 के पावर 3 लिख ही देंगे, यहाँ पर 27 को तोड़ेंगे तो 3 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 ऑलरेडी है, तो क्या करेंगे हम, इससे इसको कर दिया और इसको इससे कर दिया, तो 3 के पावर 2 बार में जाएगा, यानी कि 3 के पावर 2 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से भी हम हल कर लेंगे, और नहीं तो यहाँ पर इसमें इसको घटा लेंगे, यानी कि 3 के पावर 4 प्लस 3 बटा 3 के पावर कितना, 3 प्लस 2 यानी कि 3 के पावर कितना होगा, 7 बटा 3 के पावर 5 है ना। अब 3 के पावर 7 डिवाइडेड 3 के पावर 5 यानी कि डिवाइड का मतलब माइनस होता है, तो 3 के पावर, ये दोनों सेम मिल रहा है ना, तो एक 3 नोट कर देंगे, 7 माइनस 5 यानी कि 3 के पावर 2 आया ना आंसर। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला के अनुसार, और ऐसे काट के भी, ठीक है, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, 81 डिवाइड 3 के पावर 2 अपॉन 3 के पावर 2 डिवाइड इंटू 3, यानी कि इसको 81 को हम तोड़ेंगे तो 3 के पावर 4 डिवाइड 3 के पावर 2 अपॉन 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। ठीक है, तो डिवाइड का मतलब माइनस होता है, तो ये जो है एक जैसा है, तो 3 नोट कर देंगे, यहाँ पर 4 माइनस 2 बटा यहाँ पर इसका मतलब एड होता है, तो 3 के पावर 2 प्लस 1। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे तो 3 के पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, यहाँ पर 3 के पावर 2 और 1 3। ठीक है, तो क्या होगा, फॉर्मूला आ गया ना ये, तो उसके अनुसार सॉल्व करेंगे, इसको इसको एक जगह नोट कर देंगे और इसको इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो 2 माइनस 3 यानी कि 3 के पावर माइनस 1 यानी कि 1 बटा 3 के पावर 1 ये हो जाएगा। ठीक है, या फिर यही आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर एट में 625 × 5^2 अपॉन 125 × 5^3। तो इसको हम क्या करेंगे, 25 के पावर 2 लिख देंगे इंटू 5^2 बटा 5 के पावर 3 इंटू 5^3। ठीक है, हो गया ना। अब यहाँ पर 5 के पावर 2 इंटू 2 इंटू 5^2, इस तरह से 25 को हम तोड़ेंगे, अब 5 के पावर 3 इंटू 5^3, अब 2 × 4 हुआ ना, 5 के पावर 4 इंटू 5^2 बटा यहाँ पर क्या होगा, 5 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3। करना क्या है कि एक जैसा है ना, ये भी एक जैसा है, तो 5 यहाँ नोट कर देंगे, इसको इसको जोड़ देंगे, 4 × 2 = 6, ये 5 है तो जो कहते हैं इसमें इसमें जोड़ेंगे तो 3 × 3 = 6। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 5 के पावर 6 डिवाइड 5 के पावर 6 यानी कि दोनों सेम है, तो 5 के पावर 6 घटाओ 6 यानी कि 5 के पावर 0 का मतलब होता है 1, ये एक आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से होगा, नहीं तो यहाँ पर काट भी देंगे तो ये कहीं होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, सॉरी 9 देखते हैं क्या, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, y के पावर 0 इंटू 8
अपॉन टू के पावर थ्री इंटू टू के पावर जीरो। दोस्तों पहले बता चुके हैं, फॉर्मूला में भी दे दिया है कि किसी भी संख्या के पावर जीरो रहे तो उसका वैल्यू वन होता है। यहाँ पर जीरो है तो इसका वैल्यू वन इंटू एट, बटा यहाँ पर थ्री हो जाए, टू के पावर थ्री इंटू इसका वैल्यू वन ही होगा। चाहे अचर संख्या हो चाहे चर संख्या हो, किसी के पावर जीरो रहे तो उसका वैल्यू वन ही होता है। यहाँ पर गुना करेंगे थोड़ा, इसमें गुना करेंगे दो के पावर तीन होगा, यानी कि दो के पावर तीन हो जाएगा इसको तोड़ेंगे तो, और इसको ऑलरेडी जो कितना इसको काटेंगे तो कितना होगा ये, ठीक है, ये आपका आंसर निकल जाएगा। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पर यदि एग्जाम में पूछे तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूला पर, या फिर इस तरह से, ठीक है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।